य नमः मनोजवं मारुततुल्य वेगं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आदाय तेनैव तदा। तुम बैठो, मैं अभी आई। अभी तो बारात आई है, दूल्हा अभी आने वाला है। छोड़ दो इसे, अब ये नहीं भागेगी। दयालु, बिना शबाब की शराब ऐसे लगती है जैसे बिना चांदनी के रात। लाला, ये रात ढलती जा रही है और चांद नजर नहीं आया। थोड़ा सब्र करो, ये कोई ऐसा वैसा चांद नहीं, ये वो चांद है जिसके लिए 4-4 ग्रहण इंतजार कर रहे हैं। हम ग्रहण नहीं है राणा, हम तो बादल के वो टुकड़े हैं जो चांद को अपने आगोश में लेने के लिए मचल रहा है। लाला, शराब और लोग दूसरों को कंधा देते हैं उन्हें शमशान घाट पहुंचाने के लिए। दुर्जन ने तुम्हें कंधा दिया, तुम्हें नई जिंदगी देने की। जाओ, राजा साहब की सेज के फूल मुरझा रहे। रामजादे कमीने, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कमला को यहाँ तक लाने के लिए दुर्जन को उसका इनाम देता। हाँ, जो हुक्म। नहीं, ऐसा मत कीजिए, गाँव वाले आप लोगों को देवता समझते हैं। अरे भोग तो देवताओं को भी लगता है मेरी जान। राजा साहब, इसके पर मैं काट देता हूँ। मैं रपट कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे बेटे कमला चाहिए। पुलिस सिर्फ रिपोर्ट लिख सकती है। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी मिल गई तो तुम्हारे घर पर इत्तला पहुंचा दी जाएगी। तुम्हारे बदन पर हमारे हाथों से जितनी भी खराशें लगी हैं, उन खराशों को इन सोने की किन्नियों से ढक लेना। रो मत जान मेरी, हम भी तुम्हारे हुस्न की पूरी कीमत देंगे। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ भैया, ऐसे लोगों को जिस्मानी मार से नहीं मारना चाहिए। जिस्मानी मार तो? शर्म की मार मारना चाहिए। शर्म की मार? जाओ जाओ, बड़े आगे लड़की छेड़ने इस गांव में मर भी रहते हैं। दिन भर इन बेशर्मों को गधे पे बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाते रहना। मैं पूछती हूँ, तेरे बदन में बहुत चर्बी हो गई है क्या? आज इससे झगड़ा, कल उससे झगड़ा, गांव भर में अपनी बहादुरी दिखाने का ठेका ले रखा है क्या तूने? देख रंजीत, मैं साफ साफ कही देती हूँ, मुझे ये दंगा फसाद बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही। ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये सब बुरी बातें नहीं करना चाहिए बेटे। नहीं नहीं नहीं, छी 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 छी। अब मान लो कल को भरे बाजार में तुम्हारी बहन रूपा का कोई हाथ पकड़ भी लेना तो तुम उससे लड़ना वड़ना नहीं। जाने देना जाने देना जाने देना। अजय, किसकी मजाल है जो मेरी रूपा की तरफ आंख उठा के भी देखे? उसकी तरफ बढ़ने वाला हाथ तोड़ के नहीं रख दूंगी। जी हाँ, तोड़ के रख दूंगी, जरूर तोड़िए, क्योंकि वो आपकी बेटी है। और रंजीत को उन गुंडों के साथ झगड़ा इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो बेचारी किसी गरीब अंधे बूढ़े की बेटी है। रूपा की माँ, वो दिन याद करो जब हमारे बेटे ने डूबती नाव से मुसाफिरों को बचाया था और सरकार ने इसे इनाम भी दिया था। उस दिन तो बड़ी खुश थी, नाच भी रही थी। अरे रूपा की माँ, ये बहादुर सिपाहियों के खानदान का लड़का है, इसे बुज़दिलों वाली बातें मत सिखाओ। नहीं दूंगी। अरे वो मेरी चिट्ठी है, मुझे वापस कर दे। देख 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 रूपा, देख देख रूपा, तुझे वो 5 रुपए भी दे दूंगा, तेरे लिए चूड़ियां ले आऊंगा, पायल ले आऊंगा, दे देना रूपा। ठीक है, तेरी आंखों में आंसू। अरे ये तो खुशखबरी और तू रो रही है। तेरे भाई को पुलिस की नौकरी मिल गई है। ये जानकर दिल तो बहुत खुश हुआ कि मेरा भैया पुलिस ऑफिसर बनेगा, मगर ये आंखें जिनको तुम्हारी जुदाई की आदत नहीं, हम खारो पड़ी। ए बिल्ली, इन आंसुओं को समझाओ कि तेरा भाई पास वाले शहर में जा रहा है, कोई सात समुद्र पार नहीं। बहन की आंखों से भाई का उछल होना कोई सात समुद्र पार जाने से कम नहीं। देख रूपा, भाई की कामयाबी के लिए जुदाई का दुख तो सहना ही पड़ेगा। सहूंगी भैया, सहूंगी। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं अपने भैया को पुलिस की वर्दी में देखूंगी। और मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में देखूंगी। हाय हाय, क्या लग रही है। पहले उस जुल्फों वाली से तो बात पक्की कर लो। छाया, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पुलिस में नौकरी मिल गई। ये देखो अपॉइंटमेंट लेटर। अरे ये क्या, तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया? तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? मैं तुम्हारी तरह इतनी कमजोर नहीं जो जरा सी खुशी भी हजम ना कर सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब बेकार की बातें छोड़ो और अपना वादा पूरा करो। कैसा वादा? भूल गई? KISS क्या होता है? तुमने तो वादा किया था कि जब भी गाँव आओगी तो दोगी। मुझे शर्म आती। एक न एक दिन तो ये शर्म तोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन तुम तो भी तोड़ने के लिए कह रहे हो। नहीं तोड़ोगी तो मोहब्बत का देवता नाराज हो जाएगा। अच्छा देवता जी, लो। रूपा को यहां लाकर तुमने अपना आधा काम कर दिया है। अब इसके माँ बाप को खत्म करके अपना काम पूरा कर दो। इसके बाप से पुराना हिसाब चुकाना है। नहीं, नहीं। तूने अगर मेरे माँ बाप की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरा खून कर दूंगी। खून खराबे करना तुम्हारा काम नहीं, दुर्जन का है। तुम्हारा काम है सिर्फ हमारा दिल बहलाना, और तुम बहलाओगी। क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? देवी, थोड़ी शरबत में नींद की दवा मिला दी है। बहुत थोड़ी सी, ज्यादा मिला देते तो सारी जिंदगी होश में नहीं आती। ये भी बोलने के काबिल नहीं रहे। हमने तुम्हारे हुस्न को लूटा नहीं, खरीदा है। तुम्हारी एक एक चीख, एक एक आंसू की कीमत हम इस सोने से चुका रहे हैं। हमारा यह कीमती तोहफा तुम्हारी जिंदगी को कहां से कहां ले जाएगा। ये लो। कौन है ये? हवलदार चंद्रभान सक्सेना की बेटी है, बुरी तरह घायल हो गई हुजूर। ओ आई सी। हवलदार, इसे जीप में डालकर फौरन पुलिस स्टेशन ले चलो। यस सर। एक, दो, स्क्वाड, बैरेक्स में रिपोर्ट करो। लेटी रहो, ऐसे ही अच्छी लगती हो। थानेदार साहब, बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। लेकिन इसमें उनका कोई दोष नहीं। तुम्हारे हुस्न शबाब ने उन्हें दीवाना बना दिया होगा। जैसे कि मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको तो उन अपराधियों को हवालात में बंद कर देना चाहिए, लेकिन आप खुद अपराधियों जैसी बातें कर रहे हैं। तुम कहो तो हम पूरे गाँव को हवालात में बंद कर दें? मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने नीच हो गए। चिल्लाओ मत। तुमने अपने चांदी जैसे जिस्म के बदले सोना वसूल किया है, तलाशी में सारा माल बरामद हो जाएगा। ये तुम्हारा पेशा है और तुम एक जिस्म फरोश लड़की हो। कमजात, नीच, और तुम एक भ्रष्ट अफसर हो। तुमने उन लोगों से रिश्वत खाई है, इसलिए उनके हक में बोल रहे हो। जाने मन, अगर तुम अपने हुस्न की रिश्वत हमें दे दो, हम भी तुम्हारे हक में हो जाएंगे, समझे? जहाँ चार वहाँ पाँच सही, क्यों है ना? बोलो। कुत्ते कमीने, तूने मेरी इज्जत पर हाथ डालकर इंसानियत के मुंह पर तमाचा मारा है। पुलिस महकमे को गाली दी है और बदनाम किया है उस खाकी वर्दी को जिसे लोग रक्षा का प्रतीक समझते हैं। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे मार देना चाहिए। अरे ये गोली किसने चलाई? सर, ये क्या कह रहे काका? मेरे माँ बाप, बहन सब। हाँ बेटा, पुलिस ने बहुत छानबीन की, लेकिन मुझे जाना ही होगा। रंजीत, रंजीत रुक जाओ। रंजीत, रंजीत कहाँ जा रहे हो? जो होना था सो हो चुका। नहीं, मैं एक एक को भून दूंगा। क्या? कानून को तुम अपने हाथ में लोगे? फिर तुम में और उनमें क्या फर्क है? तो फिर मैं क्या करूँ? घबराओ नहीं, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। कौन हो तुम? अरे मैं तो चाचा हूँ। चाचा? किसकी चाचा? सभी का। वैसे मेरा नाम रहमतुल्ला है। बेचारे की बदकिस्मती ये है कि इसका नाम किसी को पसंद ही नहीं आता, यहाँ तक कि सरदार भी इसे चचा ही कहते हैं। सरदार? जी, तुम हमारे सरदार बागी मंगल सिंह की पनाह में हो और उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। क्यों बचाई उसने मेरी जान? किस लिए? बेशुमार मासूम इंसानों की खून से रंगे हुए हाथों से उसने मुझे मौत के मुंह से बचाया। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर जिसकी हर सांस पर एक डाकू के एहसान की मोहर लगी हुई हो। जबान संभाल कर बात कर लड़के। सरदार के खिलाफ बोलने वाले फिर कभी बोलने के काबिल नहीं रहते। सूअर के बच्चे, मेहमानों के साथ इज्जत से पेश आया जाता है। मेहमान जिसके जिस्म के रोए रोए से अनगिनत विधवाओं और अनार्थ बच्चों की बद्दुआओं की आंच आ रही हो, ऐसे आदमी की मेहमान बनने से तो मौत का मेहमान बनना ज्यादा अच्छा है। हम अपने मेहमानों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। लो ये बंदूक। और मिटाता हूं अपनी जिंदगी को, लेकिन याद रखना, तुम्हारे हाथ भी इंस्पेक्टर श्यामलाल के खून से रंगे हुए हैं और उसकी विधवा की बदवा की आंच तुम्हारे जिस्म से भी आ रही है। वो छलनी जिसमें हजारों छेद हैं, एक सुई पर इल्जाम लगा रही है जिसमें सिर्फ एक छेद है। मैंने श्यामलाल का खून नहीं किया बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको मारा है। और जिनके खून का इल्जाम हमारे सर पर है, हमने भी उनका खून नहीं किया, उन्हें मारा है। कभी किसी की जान बचाने के लिए तो कभी किसी मासूम की इज्जत। शरीफ समाज के बदकार लोगों में रहने वाली रूपा सक्सेना, इसके बावजूद भी तुम हम डाकुओं से नफरत करती हो। क्या जानती हो डाकुओं के बारे में? तुम क्या जानती हो? हाँ, डाकू समाज के उन सांपों का सर कुचलता है जो समाज में जुल्म का जहर फैलाते हैं। डाकू उनको सजा देता है जो जुल्म करके भी कानून की अदालत से बरी हो जाते हैं। डाकू अगर एक दौलतमंद का घर लूटता है तो हजारों गरीबों का घर बसाता भी है। जंगल जिसका ठिकाना, पत्थर जिसका बिछौना और आसमान जिसकी छत, वो डाकू है, बागी है। और जो ऐसा ना हो वो डाकू नहीं, लुटेरा है। डाकू जुल्म ढाता नहीं, जुल्म का मुकाबला करता है। जुल्म का मुकाबला तो कितने ही महापुरुषों ने किया था, लेकिन उन्होंने तुम्हारी तरह बंदूक नहीं उठाई थी और ना ही ऐसी वर्दी पहनकर जंगल जंगल मुंह छुपाते फिरे थे। उनके साथ ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जो मंगल के साथ हुआ है। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये मेरा छोटा भाई सोमनाथ है। ये उसका वो रूप है जो भगवान ने उसे दिया था। उठाओ इसे, उठाओ इसे, उठाओ। चीख पड़ी ना। ये मेरे भाई का वो रूप है जो इंसानों ने उसे दिया। बुलाओ अपने एमएलए साहब को। मुनीम जी। जी सरकार। ये कैसा शोर है? ये नौजवान कौन है? ये मेरे भाई साहब सोमनाथ, बीए पास। ओ अच्छा, तो ये बीए का शोर है। ये शोर नहीं है एमएलए साहब, ये इंसाफ की आवाज है। और इस आवाज की मांग है मेरे भाई के हिसाब के वो कागज जिस पर एक एक अंगूठे के साथ हमारी एक एक एकड़ जमीन कम होती गई। बेटे, तुम मजाक का बुरा मान गए? मंगल का हिसाब तो पहले का चुकता हो चुका है। यह सारी बुराई इस मुनीम के बच्चे की है। फिर भी तुम चाहो तो मैं खुद हिसाब किताब लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मंगल बेटे। जी साहब। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ले जाओ अनाज की गाड़ियां। मुनीम जी। जी। पिछले फसल का जो बाकी है वो सब मेरा, वो सारा मंगल के घर पहुंचा दो। अरे गंगू रामू बंसी हुसैन, ये सब ले चलो, ये सारा अनाज अपना हो गया। सोमनाथ भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुझे और पढ़ाऊं। वो क्यों भैया? अरे सिर्फ बीए पास करके तूने नेता को ठीक कर दिया, अगर और पढ़ लेगा तो सारा देश ठीक हो जाएगा। हो भैया, ये आवाज कैसी? तू बैठ, मैं देखता हूँ। दुर्जन, बीए के सर्टिफिकेट को मौत का इश्तार बना दो। मेरे भाई बता ये लोग कौन थे, किसके आदमी थे, किसने तुझ पे हमला किया? बता सोमनाथ, बता मेरे भाई। अगर तू बताए बिना मर गया तो मुझे इस दुनिया का हर आदमी तेरा कातिल नजर आएगा। तेरी कसम मेरे भाई, मैं इस दुनिया को शमशान घाट पर आ दूंगा। बता, बता मेरे भाई कौन थे वो? बता। नीचे, बता मेरे भाई, बता, बता। मेरे भाई मास्टर, 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 मास्टर। मंगल, इस पर क्या लिखा है मास्टर जी? बेटा मंगल, तू और इतनी रात गए? बेटा 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 तू कुछ उल्टा सीधा तो करके नहीं आया? इस पे क्या लिखा है मास्टर? इस पर तो लिखा है एमएलए। नमस्कार, नमस्कार। ये लो, ये लो, तुम भी लो, लो भाई। मंगल, नहीं नहीं उसके बाद हल चलाने वाले ये हाथों ने बंदूक उठा ली और सबसे पहले उस बंदूक से उस सीधे साधे किसान मंगल को मारा ताकि यह डाकू मंगल सिंह जन्म ले सके। जहां तुमने किसान मंगल को मारा वहां एक कत्ल और कर दो। जिस रूपा ने तुम पर इल्जाम लगाया उसे मार दो ताकि एक दूसरी रूपा जन्म ले सके। मुझे बंदूक चलाना सिखा दो मंगल। ओले खान जी सरदार, मेरी पुरानी बंदूक लाओ। दान क्या दिखाते हो सुअर के बच्चों? तुम लोग क्या मां के पेट से बंदूक लेके पैदा हुए थे? उठो, लाओ बंदूक, पकड़ो। मुझे नहीं, बंदूक दोनों हाथ से ठीक से पकड़ो। अब दबाओ घोड़ा। लो बंदूक, और एक पल के लिए सोचो, ये तस्वीरें नहीं, चार कुत्ते हैं जिन्होंने तुम्हारे जिस्म का एक एक इंच नापा था। नहीं, वो अपने आप उठेगी। उठो, फिर से कोशिश करो। हुप चाचा कल्ला राम सिंह, क्या हुआ सरदार? क्या हुआ? गजब हो गया भाई। ये देखो, ऐसे लगता है चाचा जैसे जंगल की हिरणी ने शेरनी की खाल पहनी हो। खाल ही नहीं पहनी, सीने में शेरनी का दिल भी रख लिया है। अब इस शेरनी को शिकार की जरूरत है। मुझे सोनार के पास ले चलो मंगल। शिकार और सोनार के पास? इन सोने की गिनियों से 4 सोने की गोलियां बना दो। सोने की गोलियां? हाँ, और उन पर 4 भेड़ियों के नाम लिख देना। 4 भेड़ियों की? हाँ, और 4 भेड़ियां तुम्हारे जाने पहचाने हैं। नाम सुनोगे तो चौंक जाओगे। राजा, राणा, लाला और ठेकेदार। क्यों? समझ गया ठाकुर, समझ गया। आज के बाद फिर उन्हें मैं कभी नहीं पहचानूंगा। शाबाश, ये लो तुम्हारी मजूरी। जी। और गोलियां कल शाम तक हमारे अड्डे पे पहुंचा देना, ठीक है? पहुंच जाएगी। चलो। जुल्म के माथे पर तू मौत का पसीना है। आज के बाद तू रूपा नहीं, हसीना है। डाकू हसीना जिंदाबाद। डाकू हसीना जिंदाबाद। हसीना, अब रस्म के मुताबिक तुम्हें इस तिलक की कीमत अदा करनी होगी। कीमत? हाँ हसीना, जो भी इंसान डाकुओं की जिंदगी का पहला कदम उठाता है उसे एक दिन के लिए गिरोह का सरदार बनाया जाता है। उसकी रहबरी में एक डाका डाला जाता है और उस डकैती की कामयाबी उसका इम्तिहान होता है। इस तोहफे के साथ साथ एक खुशखबरी भी लाया हूँ। राजा प्रताप सिंह ने अपने बेशकीमती हीरो नटराज की अनमोल मूर्ति का सौदा कर लिया है। सुबह होते ही खजाना रवाना कर दिया जाएगा। सुबह तब होगी कल्ला जब सूरज निकलेगा, और सूरज तब निकलेगा जब नटराज की मूर्ति सरदार मंगल सिंह के हाथों में होगी। रखवाली करो जायदाद की। बिना सवार के घोड़े, चलो। शाबाश हसीना, आज तुमने एक नया जन्म लिया है। हम डाकुओं की बिरादरी का वो रस्म पूरा किया है जिसके बगैर किसी भी डाकू को एक बागी का खिताब नहीं मिलता। सरदार, मैंने तुम्हारी गिरोह की रस्म पूरी कर दी, तिलक की कीमत अदा कर दी। अब मेरे सामने एक ही मकसद है। माँ, जिस मकसद के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस मकसद में कामयाब हूँ। नजर लाके राजा सोर बंगले पे, नजर लगे तोर बंगले पे, नजर लगे रहा। रुक क्यों गए? मैं तेरी अमावस की रात में पूनम का चांद निकालने आए हूँ। उस दिन तुम मुझे बेहोशी की हालत में लाए थे। आज अगर मैं होशो हवास में खुद तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? रूपा, हसीना बोल, डाकू हसीना। तुम जिंदा हो रूपा? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे सीने पर 4 सोने की गोलियां लटक रही हैं। इनमें से एक गोली पर तेरा नाम लिखा है। निकाल अपने नाम की गोली, निकाल कुत्ते। ये वही जिस्म है जिसे छूने की तमन्ना में तू वैशी दरिंदा बन गया था। ये वही सीना है जिसपे उस दिन तेरा हाथ भेड़िए के पंजे की तरह लपका था। निकाल। ऐसी ही सोने की 3 गोलियां मेरे पास हैं और उन पर 3 वहशियों के नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे। राजा साहब, दुनिया की तवारीख में ऐसा अजीबोगरीब केस नहीं हुआ कि कातिल किसी को मारने के लिए सोने की गोलियां बनवाए और उस पर मकतूल का नाम लिखे। दयालु, आप दास्तान की लंबाई को ही नापते रहेंगे या मुजरिम को भी पकड़ेंगे? भाग कर जाएगा कहाँ? आज तक कोई भी मुजरिम पुलिस के हाथों बच नहीं सका और न ही बच सकेगा। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, मरने वाला हमारा खास दोस्त था। जब तक उसका कातिल फांसी के तख्ते पर नहीं लटकेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बाबू ये तो डाकू बशीरा है। डाकू बशीरा? ये तो डाकू बशीरा है, बहुत खतरनाक है। बाप रे, आओ आओ रंजीत, बैठो। वेल डन माय बॉय, वेल डन। बशीरा जैसे खतरनाक डाकू को जिंदा गिरफ्तार करके ये तुमने साबित कर दिया है कि पुलिस की हिम्मत और हौसला काबिले दाद है। थैंक यू सर। अफसोस कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव सर्कल इंस्पेक्टर के हैसियत से ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उस पोस्ट पे इंस्पेक्टर रह गए हैं और उसकी ख्वाहिश है कि वो डाकू हसीना को जिंदा गिरफ्तार करे। सर, डाकू और डकैती का मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। मेरे माँ बाप, मेरी बहन डाकुओं की गोलियों के शिकार हुए। डाकू मेरे दिल का जख्म है सर, जो मुझे चैन से सोने नहीं देता। सर, एक डाकू हसीना तो क्या, मैं इस धरती से सारे डाकुओं का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। तुम ये काम कर सकते हो। इसके बावजूद भी आप मुझे उस इलाके में ट्रांसफर नहीं कर सकते? सर्कल इंस्पेक्टर के हैसियत से नहीं, एएसपी बनकर जा सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब तुम एएसपी हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। देखते क्या हो, जल्द से जल्द अपने गांव जाने की तैयारी करो। थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। ऐसे कहा जा रहे एसपी साहब? थैंक यू बोलिए। ओ पापा। डाकू हसीना, हसीना। पंचोला गांव के ठाकुरों, मैं डाकू हसीना बोल रही हूँ। मेरे 5 गिनने तक मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, नकदी या जेवर। अगर मुझे 5 से आगे गिनना पड़ा तो वो तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं इस गांव की किसी भी ठकुरायन को मांग में सिंदूर भरने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारी औलाद भूखे जानवरों की खुराक बनने के लिए आसपास के जंगलों में पड़ी होगी। 1 2 3 4 5 5 जग्गा। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बांध दो इन ठाकरों को, आप इन्हें पुलिस वाले ही आकर खोलेंगे। हमारी जान बचाओ। चलो। राम राम काका। क्यों भाई रामू, हमें आने में देर तो नहीं हो गई? सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया भाई? अरे काका क्या बात करते हो, मांगने वालों की झोलियां तंग हो सकती है, हसीना का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। जाओ जाओ, वो दानी देवी जरूरतमंदों की राह देख रही है, जाओ। वाह रे दुनिया, ये डाकू और वो साहूकार, चल बेटे। अबे ओ हरिया, वो जो तू लाला चुनी लाल के बाड़े से भैंसी खोल लाया था, इसे दे दे, दूध बेचकर गुजारा कर लेगा। लेकिन हसीना। अच्छा अच्छा ठीक है। चुक चुक जियो माँ, चुक चुक जियो। तू क्यों मुंह उतारे खड़ी है काकी? चंदा की शादी है ना, तू चिंता क्यों करती है? जैसे चंदा तेरी बेटी वैसी मैं। ले काकी, मेरी बहन की शादी ऐसे धूमधाम से करना कि दुनिया देखती रह जाए। हसीना, मुरली को क्या दोगी? जाबेर सिंह ने इसकी जबान काटी थी ना, रूपा के डाकू हसीना बनने से पहले वो मर गया। अगर वो जिंदा होता तो मैं उसकी जबान काटकर इसको देती। खैर, अब उस साले जाबेर सिंह की जमीन ये जोतेगा। घबरा मत मुरली, गाँव वालों से कह देना जमीन हसीना ने दी है। आदमी तो आदमी, हसीना का नाम सुनकर जानवर भी तुम्हारे खेत में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। ठहर, खेत जोतेगा कैसे? ये ले। हसीना, सरदार ने ये दो तोहफे भेजे हैं। ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने हवस के भूखे भेड़ों के हवाले करने के लिए कमला को उठाने में दुर्जन की मदद की थी। ओह, तो आप हैं वो नेक व्यापारी जो शरीफ दरिंदों को जिंदा मांस सप्लाई करते हैं? नहीं हसीना, ये झूठ है, हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। कमला अपनी बहन जैसी थी। कोई अपनी बहन का व्यापार कर सकता है क्या? हसीना को झूठ से सख्त नफरत है। हसीना सांप को माफ कर सकती है, लेकिन अपने पाप छुपाने वाले मक्कार को कभी माफ नहीं कर सकती। जगा। रतन काका तुम? हसीना, आ गई तुम, बहुत देर कर दी। ये सब किसने किया रतन काका? दुर्जन ने। हसीना, बचाओ 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 बचाओ। आ जाओ आ जाओ। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। बेटी, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिलती तुम हमारे साथ रहना। हसीना, हमें फौरन यहाँ चलना चाहिए, ये आम रास्ता है। मंगल, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा लाई हूँ। इन पत्थरों में फूल की कमी थी, सो मैंने पूरी कर दी। पत्थरों में फूल नहीं खिला करते हसीना। इस बच्ची को जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ाओ। क्या? हाँ, जहाँ आटो पहर वातावरण गोलियों से गूंजता हो वहाँ लोरिया नहीं बनप सकती। ये तुम कह रहे हो मंगल? तुम? हाँ मैं। हम डाकुओं का जज्बा से कोई रिश्ता नहीं। डाकू पुलिस की गोलियों से कम जज्बात के हाथों ज्यादा मारे जाते हैं। कल ये बच्ची हमारे लिए फांसी का फंदा भी बन सकती है। तो फिर मैं इस बच्ची का क्या करूं? किसी अनाथ आश्रम छोड़ाओ। सुनो, तुमने इसे अनाथ आश्रम छोड़ने को कहा, तुम ही इसे छोड़ाओ। अंकल, अंकल मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले चलो, नहीं तो हसीना आंटी रोएगी। चल। चलो क्या? मुझे गोद में उठाओ। गोद में? और क्या, मैं पैदल चल के जा सकती हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ। ले। तेरा नाम क्या? बहुत सारे नाम है मेरे। डैडी मुझे रानी बेटी कहते हैं, मेरी माँ मुझे मुन्नी कहती है और मेरे मामा मुझे चुड़ैल कहते हैं। तेरा मामा जरूर कोई बदमाश आदमी होगा। हाँ, वो मेरी माँ को बहुत रुलाते हैं। तुम मुझे किस नाम से पुकारोगे? मैं तुझे गुड्डी कहूँगा। तू हंसती क्यों? हंसू नहीं तो क्या करूँ? तुम तो बुद्धू हो, तुम मुझे कब बुलाओगे? तुम तो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे हो ना? क्या हुआ? ठीक है क्यों? चीकू नहीं तो क्या करूं? तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन इतना भी नहीं जानते छोटे बच्चों को कैसे उठाते हैं। मेरी तो सांस ही रुक गई थी एकदम। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं तुझे अपने कंधे पर उठा लेता हूँ। अब ठीक है? हाँ। मेरे डैडी भी मुझे ऐसे ही कंधे पे बिठाया करते थे। चल, एक बात पूछूं? हाँ, पूछ। मेरे डैडी बोलते थे डाकू लोग बच्चों को आसमान में उछालकर उनको गोली मार देते हैं, क्या ये सच है? वो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो तुझे अपने कंधे पर बिठाया है ना। हाँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। जरा मेरी तरफ देखो। क्या? एक बात पूछूं? अब क्या है? अनाथ क्या होता है? वो अनाथ जिसका कोई नहीं होता। साथ मैं अनाथ थोड़ी हूँ, मेरे तो सब है। माँ है, हसीना आंटी है और कौन? और बताऊँ? हाँ बता। और तुम? देखो हसीना, अल्लाह की कुदरत, सरदार गए थे उसे नमाज छुड़वाने और रोजे को सीने से लगाकर वापस आ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये, सरदार बच्ची को लेकर आ रहे हैं। क्या देख रहे हो? हाँ, इसे भूख लगे, खाना खिलाओ, है ना? हाँ, बहुत बेहतर। हाँ। वाह बेटी, आज तो तूने सरदार को मात दे दी। तुम आदमी हो, बबुल के पेट सारे मुंह पे कांटे ही कांटे हैं। अरे बेटे, 25 साल से इन कांटों को पाला है, अब इस नन्हे से फूल के लिए इन कांटों को कुर्बान कर देंगे। और बेटा, अगर मैं दाढ़ी मुंडवाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। अरे इस फूल के लिए तो पकड़े जाए तो भी चलेगा। गुड्डी, क्या बात है बेटी? मैं यहाँ नीचे सो जाऊं, मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा है। नीचे क्यों? तू यहाँ आकर सो जा, मेरे पास चल। अब आंखें बंद कर ले और अच्छे बच्चे की तरह सो जा। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा, तुम मेरी माँ की तरह ही सुलाती हो। एक बात पूछूं? गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं तो। पूछो। मैं तुम्हें छोटी माँ कहूँ? क्यों? बस यूं ही, माँ के बिना कभी सोई नहीं ना, इसलिए। एक बार सुनकर तो देखो, माँ के कर पुकारूंगी तो शायद तुम्हें भी नींद आ जाएगी। सच? तू पुकारो। माँ, छोटी माँ। गुड्डी, मेरी बच्ची। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर हेगे। यस सर। आपकी काबिलियत की तारीफ और कहानियां मैं ट्रेनिंग सेंटर से सुनते आ रहा हूँ। ओह थैंक यू सर। मैं कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। सबसे पहला काम यह है कि पूरे गांव में ये पोस्टर्स लगवा दीजिए। ओके थैंक यू। और हाँ, वो डाकू हसीना की फाइल मेरे क्वार्टर्स में भिजवा दीजिए। यस सर। ये बिटिया रानी के नहाने का पानी तैयार हो गया। ये क्या? इतना पानी क्यों जमा कर रहे हो? भाई गुड्डी ने नहाने की ख्वाहिश जाहिर की तो सब में होड़ लग गई कि गुड्डी मेरी बाल्टी से नहाएगी। हाँ। आखिर फैसला ये हुआ कि हर आदमी अपने हिस्से का पानी इस टब में डाल दे। मैं यहाँ कैसे नहाऊंगी? बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? ये बाथरूम कहाँ है? पड़ा बाथरूम सरदार कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो बना ही नहीं। हाँ। लेकिन भाई अब तो जरूरत पड़ गई तो बाथरूम भी बन जाएगा सरदार। बाले हा? ये बाथरूम क्या होता है? अरे बेवकूफ गुसल खाने को कहते हैं। गुसल खाना? हाँ, आप तो समझ बन गया। चल ना। क्या बात है जग्गा, आज तेरा घोड़ा बेलगाम हो गया जो तुझे यहाँ तक ले आया। बेलगाम तो पुलिस हो गई है सरदार। एक नया एसपी आया है जिसने शहर के चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगा दिए। ये देखो हसीना, एसपी ने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करवाने का इनाम 5000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। ये एसपी तो कोई अपना लगता है जिसने कानून के बाजार में मेरा भाव बढ़ाकर मुझे इज्जत बख्शी। एक खबर और है, उसने डाकू हसीना को जिंदा गिरफ्तार करने की कसम खाई है। किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो हसीना को जिंदा गिरफ्तार कर सके। क्या नाम है उसका? रंजीत सक्सेना। राम सिंह आया जी। राम सिंह। हाँ साहब। गाड़ी में सामान पड़ा, सामान ले आओ। जी साहब। साहब क्या बात है? मुझे 2-4 घंटों के लिए छुट्टी चाहिए। क्यों? आज राखी का त्योहार है ना, आज मुझे अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जाना है तो मैं जाऊँ साहब? अच्छा जी। राखी? ये राखी यहाँ कौन लाया? अरे राम से, ये राखी मैं लाई हूँ भैया। तुम जिंदा हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी बहन। हाँ, बहन भाई के लिए जिंदा है। इतने दिनों तुम कहाँ थी? आज कोई सवाल नहीं भैया, क्या ये कम खुशी की बात है कि तुम्हारी बहन मिल गई, और वो भी राखी के इस पावन त्योहार के दिन। लाओ हाथ लाओ, राखी बनवा लो। इस तरह नहीं, मुझे भी अपना एक फर्ज पूरा करना है। ठहरो एक मिनट। हैंड्स अप। डर गई ना? देखो कैसे लग रहा हूँ। बोलो। आज के दिन तो भाई बहन की रक्षा की शपथ लेता है। आज कोई बहन किसी भाई से भला कैसे डर सकती है? लेकिन अपने भैया को पुलिस की वर्दी में देखकर मेरा मन फूल की तरह हल्का हो गया। तुम जानती हो रूपा, जब पहली बार मैंने ये वर्दी पहनी तो मेरे दिल में यही तमन्ना थी कि सबसे पहले तुम्हें दिखाऊं। लेकिन जब वहां पर तुम्हारी मौत की खबर मिली तो ये वर्दी मेरे जिस्म पर बोझ सी बन गई। जब मेरी वर्दी देखोगे भैया तो जिंदगी तुम पर बोझ बन जाएगी। क्या? कुछ नहीं भैया, राखी बनवा लो। ये लो। ये कंगन लाया हूं तुम्हारे लिए शहर से, पहन लो। जिन हाथों के लिए कंगन लाए हो, अगर उन्हीं हाथों में हथकड़ियां पहनानी पड़ गईं तो? अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हथकड़ी क्यों बनाऊंगा? मेरे सर पर थानेदार के खून का इल्जाम जो है। ये सब झूठे बकवास है, तुम निर्दोष हो यह मैं साबित कर दूंगा। हाँ, जहां तक हथकड़ी पहनाने का सवाल है वो मैं डाकू हसीना को पहनाऊंगा जिसके नाम का आतंक 100 कोस तक फैला हुआ है। रूपा, अब तो सिर्फ 2 ही तमन्नाएं बाकी हैं। एक तो तुम्हारे हाथ पीले कर दूं और दूसरी उस डाकू हसीना को जिंदा गिरफ्तार करूं। साहब आपने जो डाकू हसीना की फाइल मंगवाई थी वो यही है। मैं अभी आया रूपा। ठीक है, तुम जाओ। रूपा, 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 कहां चली गई? सरदार माफ कर दो मुझे, हम नहीं करेगा। सरदार, सरदार माफ कर दो, सरदार माफ कर दो मुझे। आराम खोरो, बहाना बनाते हो अपने बाप के सामने। अगर कुत्ते के सामने हड्डी डालो तो वो भी अपने घर के दरवाजे का पहरा देता है। मैं तो तुम्हें गोश्त खिलाता हूं, गोश्त। एक लौंडिया का पहरा नहीं कर सके। हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हमारे पेट में मरोड़ उठ रहे थे। हम कमला को बांध कर गए थे, वापस आया तो कमला भाग चुकी थी। क्या कहा? मरोड़ तुम्हारे पेट में उठे और माफ मैं कर दूं? नहीं 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 नहीं। माफी का लफ्ज दुर्जन की जेब में नहीं। सरदार, सिंह हुकुम सरदार, इस कुरीले को भागी चिड़िया को लाने का इनाम दो और फिर अपने फौलादी हाथों से इसकी दोनों आंखें फोड़ दो, क्योंकि इस साले ने हमारा आटा देख लिया है। नहीं सरदार नहीं, हम तो आपकी शरण में आ रहे थे, आपको ढूंढते ढूंढते हमारे पैरों में छाले पड़ गए। इस समय में नदी पे ठहरा हुआ था, ये हमको तैरती हुई नजर आई, आपकी सेवा के लिए इसे मैं उठा लाया। इसको गुरु दक्षिणा समझ कर स्वीकार कर लो सरदार। ये ठीक कहता है सरदार, हमारे गांव का आदमी है और भरोसेमंद है, एक गारंटी हम लेवे थे सरदार। ठीक है, तो इसको कह दो कि सारी उम्र अपना मुंह न धोए, इसके लिए यही गारंटी काफी है। या अल्लाह। अंकल जी उठो। नहीं बेटा, अभी कंबल ओढ़ के पड़ा हूँ, पसीना आना शुरू हो गया है। खुल के पसीना आ जाएगा तो बुखार भाग जाएगा। हाँ। अगर कंबल ओढ़ने से बुखार जाता तो डॉक्टरों की दुकानों पर दवाई नहीं कंबल बिकते। ये लो तुलसी वाला दूध पी लो। अच्छा बेटा, अच्छा जीती रहो बेटा, जीती रहो। या अल्लाह, ये फरिश्ता तूने हम शैतानों में कहां से भेज दिया। अब मुंह लटकाए क्या बैठे हो? ये लो हल्दी वाला लेप लगा लो। छोटा सा तो जख्म है बेटी, इलाज ना करने से छोटा जख्म बड़ा बन जाता है। इतने बड़े डाकू बने फिरते हो, ये भी नहीं समझते हाथ खराब हो गए तो बंदूक कैसे उठाओगे। बंदूक उठे ना उठे, लेकिन तुझे उठाने के लिए बेटी ये हाथ सलामत रहना चाहिए। बांध दे, पट्टी बांध दे बेटी, बांध दे। अरे भाई नव्वे, ये 2 घंटे से साबुन लगा के बिठा दिया है, अबे जल्दी से मुड़ दे। अरे भैया मैं तो जिंदगी भर से दाढ़ी बना रहा हूँ, ये पहली बार जंगल काट रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कि दाढ़ी कहाँ पे खत्म होती है और चेहरा कहाँ से शुरू होता है। होशियार, हसीना आ रही है। तुम सब चोरों की तरह मुंह छुपाए क्यों खड़े हो? छोटी माँ 1 मिनट, एक साथ पीछे मुड़। अरे ये क्या शक्लें बना रखी हैं तुम सब लोगों ने? हम जब भी छोटी बिटिया को प्यार करते हैं वो कहती है दाढ़ी चुभती है तो बास भी आती होगी, साबुन लगा के सुखा रहे थे। मुन्नी, मुन्नी, माँ, मेरी रानी बेटी, मेरी बेटी, मेरी मुन्नी। हसीना, ये तारा है गुड्डी की माँ। उस दिन दुर्जन से तो बच निकली, पर जब अपने पति के खोने और बेटी के खोने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गई। बहन, हम तुम्हारा पति तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हारा सुहाग छीनने वाला और तुम्हारी इज्जत लूटने वाला दोनों इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। छोटी माँ, जहाँ इतना उपकार किया है बहन, एक छोटी सी भीख और दे दो। गुड्डी मेरी झोली में दे दो। ये क्या कह रही हो बहन? गुड्डी तुम्हारी बेटी है, तुम इसकी माँ हो। मैं तो मुन्नी की माँ थी, गुड्डी की माँ तो तुम हो। जाओ बेटी, अपनी माँ के साथ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं अपनी छोटी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, इस मुश्किल का हल मैं निकालता हूँ। हम सब वोट डालेंगे। अगर ज्यादा वोट तुम्हारी छोटी माँ की तरफ हुए तो इसके साथ रहना, और ज्यादा वोट तुम्हारी बड़ी माँ की तरफ हुए तो इसके साथ चले जाना। मंजूर है? मंजूर है। साथियों, अपना अपना वोट दो। गुड्डी छोटी माँ के पास रहे या बड़ी माँ के पास। बड़ी माँ के साथ, बड़ी माँ के साथ, बड़ी माँ के साथ। बेटी, बड़ी माँ के साथ। नहीं, तुम सब डाकू हो, चोर हो, लुटेरे हो, टूटे हो। I hate you, I hate you, I hate you। चलो माँ, मुझे जल्दी से ले चलो। मैं छोटी माँ के पास नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। बस। अच्छा बहन, हरिया इन्हें पहुँचा दो। अबे ओ चतुर सिंह, सुना है इस जंगल में एक अवल वस्त्रहीन वनपरी रहती है? तुमने तो उसे देखा भी है। हाँ साहब, जाड़े के मौसम में अक्सर घुमा करती है। अरे चतुर सिंह, 3 साल हो गए मुझे जंगल की रखवाली करते हुए। मुझे तो वो वनपरी किसी भी मौसम में दिखाई नहीं दी भाई। चतुर सिंह, मेरा तो बन गया। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। सपना, मेरी बहन। भैया, किस सागर ने तेरी ये हालत की? कौन लाया तुझे यार? मैं लाई हूँ। रूपा? रूपा नहीं, हसीना बोल कुत्ते। कल की भोली भाली रूपा, आज पूरे देश और सारी पुलिस फोर्स की जुबान पर चढ़ा हुआ नाम डाकू हसीना। मेरी बहन को यहाँ क्यों लाया गया? शिकारी अपने शिकार को दाना क्यों डालता है? लेकिन ये मेरी बहन है। हाँ, तेरी बहन है, इसलिए तू इसकी इज्जत लूट नहीं सका। इसे देखते ही तेरी जिस्म की हवस ठंडी पड़ गई। जरा अपनी बहन के चेहरे को गौर से देख, क्या इसके चेहरे पर तुझे नमक नजर नहीं आता? भगवान के लिए मेरी बहन के लिए ऐसे नंगे लफ्ज इस्तेमाल मत करो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे सजा दो। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बहन को मत दो। मैं इतनी जलील नहीं कि तुझ जैसे कमीने के पाप की सजा एक मासूम लड़की को दूं। ये सब तो मैंने इसलिए किया है कि मरने से पहले तुझे इस बात का एहसास हो जाए कि हर लड़की की इज्जत उतनी ही कीमती है जितनी तेरी बहन की इज्जत। इसे सही सलामत घर पहुंचा दिया जाएगा। हरिया, इसे इसके गांव तक पहुंचा दो। तू कहां भाग रहा है कुत्ते? वक्त तेरी मौत के हुक्मनामे पर दस्तखत कर चुका है। नहीं। याद है ठेकेदार के सीने पर एक सोने की गोली मिली थी, ऐसी ही 3 गोलियां मेरे गले में लटक रही हैं, जिन पर 3 नाम लिखे हैं, राजा का, लाला का और तेरा। आगे बढ़ और निकाल अपने नाम की गोली। ये वही जिस्म है जिसे तूने अपने हाथों से इंच इंच नापा था। मेरी आबरू का गिरेबान चाक चाक करने वाला हाथ आज काम क्यों रहा है? मेरे सीने तक क्यों नहीं पहुंचता? निकाल! नहीं भैया, मैं ये काम नहीं कर सकती। हसीना का अड्डा मैं किसी कीमत पे नहीं बता सकती। उस देवी ने मेरी ममता पे भरोसा किया, मेरी आंखों पर पट्टी तक नहीं बांधी। मैं ये काम नहीं कर सकती। तुम करोगी तारा, जरूर करोगी। माँ, मुन्नी! अपनी ममता की खातिर, इस मासूम बच्ची की जिंदगी की खातिर। नहीं, नहीं। राजा साहब, घोड़े! गुड्डी, क्या बात है बेटा? गुड्डी, क्या हुआ तुझे? तू बोलती क्यों नहीं? आप आइए मेरे साथ। कुदरत का करिश्मा ही अब गुड्डी की आवाज वापस ला सकता है, वरना डॉक्टरी इलाज कोई नहीं। अरे गुड्डी मेरी बच्ची, अब मैं नहीं रहूंगी। जब तक तेरी आवाज वापस नहीं आएगी मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी मेरी बच्ची। प्रॉमिस। पाले, हमारी चिट्ठी कलेक्टर साहब तक पहुंच गई? वो तो पहुंच गई, लेकिन पुलिस को चिट्ठी लिख के ललकारना और फिर डाका डालना, ये क्या दानिशमंदी है? पाले, हसीना पीछे से वार कभी नहीं करती। उसने जब से ये वर्दी पहनी है तब से सिर्फ दुश्मन का सीना ही चीरा है, पीठ नहीं। तुम दुनिया की हर ताकत का मुकाबला कर सकती हो, लेकिन तलवार की उस धार को नहीं काट सकती हो जिसमें तुम्हारे अपने ही खून की चमक है। मंगल, मेरा काम है दुश्मन का खात्मा करना और रंजीत का काम है मुझे गिरफ्तार करना। अगर इस धर्मयुद्ध में भाई के फर्ज की गोली ने बहन के सीने को ना भी पहचाना तो भी मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे नाज होगा कि मैं हवलदार चंद्रभान सक्सेना की बेटी हूं और एसपी रंजीत सक्सेना की बहन। कम ऑन, कम ऑन, चलो जल्दी चलो, आगे बढ़ो। कम ऑन, मूव मूव। सर, हमने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। इंसान तो क्या परिंदे भी पर नहीं मार सकेंगे। लेकिन वो लोग ना तो इंसान है ना परिंदे, दरिंदे हैं दरिंदे। आप फिक्र न करें सर। फिक्र मुझे नहीं बल्कि कलेक्टर साहब को है। कलेक्टर साहब, हसीना अव्वल तो आएगी नहीं, और अगर आएगी भी तो वापस नहीं जा पाएगी। आप हसीना को नहीं जानते एसपी साहब। हसीना तो हसीना, डाकू मान सिंह ने भी पुलिस को ललकार के कभी डाका नहीं डाला है। आप ऑफिस जाइए। ऑलराइट मिस्टर रेगे। सर, मैं किसी काम से रामपुर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इन द मीन टाइम यू टेक केयर। ओके सर। ओके, चलो। आइए कलेक्टर साहब, मैं आपको ऑफिस छोड़ाता हूँ। डोंट बी सिली मिस्टर रेगे, मेरी जान को कोई खतरा नहीं। खतरा है उन सरकारी रुपयों को जो खजाने में पड़े हुए हैं। आप उनकी रक्षा कीजिए। एसपी साहब का भी कमाल है, इतनी पुलिस लाने की क्या जरूरत थी। इंस्पेक्टर खान, रामपुर पुलिस स्टेशन। हैंड्स अप, खेलो सबको। बंदूकें फेंक दो नीचे, फेंक दो बंदूकें, फेंक दो। चलो चलो। हसीना, हसीना, एसपी साहब आ रहे हैं। जब मेरी वर्दी देखोगे भैया तो समझिए तुम पर बोझ बन जाएगी। तकदीर ने मुझे एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पीछे पीछे हटता हूं तो फर्श पर आंच आती है, और अगर आगे बढ़ता हूं तो स्नेह का जाल जकड़ता है। मुझे मुझे ये जाल तोड़ना ही होगा छाया। पर क्या तुम अपनी मांझाई पे गोले चलाओगे? क्या करूं, रूपा ने अगर कांटे बोए हैं तो मैं उसे फूल कैसे दे सकता हूं। पर रूपा ने कांटे बोए ही क्यों? मैं तुम्हें इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी गांव आ रही हूँ। पर डीआईजी साहब? हाँ, उन्हें रिश्ता मंजूर है। हरामजादी मेरी हार पर जश्न मना रही है, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। दिखाओ तुझे जश्न कैसे मनाया जाता है, है? दिखाओ है? दुर्जन, मान्यवर दुर्जन सिंह जी, दयालु एक बात बताइए, ये रंजीत रूपा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वो उसका भाई है। बिल्कुल ठीक। जब भाई को रिश्ते का ख्याल है तो बहन को भी होगा। पहले ये मत बुझाओ राजा साहब, मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, मोटी बात बताओ। गोली अब भी तुम रूपा पर चलाओगे दुर्जन? लेकिन बंदूक अपने कंधे पर रखकर नहीं, बल्कि उसकी होने वाली भाभी छाया के कंधे पर रखकर। इस नाजुक रिश्ते का सदमा रूपा से बर्दाश्त नहीं होगा और वो बड़ी आसानी से तुम्हारा निशाना बन जाएगी। हाँ? अगर आपकी बार रूपा बच गई राजा साहब तो फिर दुर्जन नहीं बचेगा। को अगवा कर लिया गया है, इस बात की भनक भी हसीना के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि दुर्जन ने छाया को मोहरा बनाया है ताकि हसीना को मात दे सके। मगर वो ये नहीं जानता कि एक हाथ और भी है जो उसकी सारी बाजी को पलट कर रख देगा। जगह कभी ने कुत्ते छोड़ने मुझे बॉस तोड़। ऐसी गालियां दुर्जन को बहुत अच्छी लगती हैं, अभी बताता हूँ। जंगली जानवर, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तेरे खुद नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ दे मुझे। टुकड़े तो हम करेंगे रानी, पर जरा सब्र करो, हसीना तुम्हें बचाने के लिए आती ही होगी। ननंद भाभी की मुलाकात हो जाएगी तो टुकड़े भी हो जाएंगे। नहीं, नहीं। छाया को संभाल। जिसे परसों से तेरे मनहूस चेहरे की तलाश थी, मैं वो मंगल हूँ। मैं वो मंगल हूँ कमीने, जिसके छोटे भाई सोमनाथ को तूने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। डाकू मंगल सिंह। हाँ, डाकू मंगल सिंह कुत्ते, तुम 10 आदमियों ने मिलकर मेरे निहत्थे भाई को मारा था। आज मैं तुझे अकेला 10 आदमियों की मौत मारूंगा। भागने की कोशिश मत करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भेड़ बकरियों का घेरा शेर को नहीं रोक सकता। और फिर तुम पुलिस वाले वारदात के बाद बंदूकें तानते हो और सांप के चले जाने के बाद लकीर पीटते हो। मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूँ, मैं सांपों को लकीर छोड़ने लायक छोड़ता ही नहीं। अगर यकीन ना आए तो एक कदम आगे बढ़ाकर देख लो, गोलियों से भून ना दूं तो मेरा नाम एसपी रंजीत सक्सेना नहीं। एसपी रंजीत सक्सेना, गोलियां मेरी बंदूक में भी है। मैं तुम्हें गोली का जवाब गोली से नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी मौत से अगर किसी की आंख में एक भी आंसू आ गया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। लो संभालो अपनी अमानत। नहीं रंजीत, नहीं रंजीत, नहीं। छाया, ये क्या किया तुमने? मुजरिम को भगाना भी एक जुर्म है और एहसान करने वालों पे गोली चलाना क्या इंसाफ है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ रंजीत। ये वो दरिंदा नहीं जिसने मुझे उठाया था, ये तो वो इंसान है जिसने मसीहा बनकर मेरी जान बचाई और कृष्ण बनकर मेरी इज्जत। डाकुओं के भेष में ये फरिश्ता कौन है? मंगल सिंह। सरदार, डाकू दुर्जन सिंह की खबर लेकर आया। क्या खबर लाए हो? वो पुलिस थाने में हाजिर हो गया है और उसे सेंट्रल जेल में रखा गया है। बुज़दिल कहीं का, उसने मुझसे बचने के लिए पुलिस की शरण ली है, लेकिन जेल के सलाखे मेरे इंतकाम से ज्यादा मजबूत नहीं। उस सुअर के बच्चे को मैं वहीं घुस के मारूंगा। लेकिन सरदार, कल सुबह पुलिस वाले उसे ग्वालियर जेल लेकर जाएंगे। खान, हसीना को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बेहतर सरदार। ओहो, ये बीच रास्ते में जानवर कहां से आ गए? गाड़ी चलो, नीचे उतर के सबको हटाओ। कम ऑन, फास्ट, क्विक। तुम्हारा जानवर है? जी सर। हटाओ यहाँ से। जानवर है साहब, आदमी की जबान थोड़ी थोड़ी समझते हैं। बकवास बंद करो, जल्दी जल्दी हटाओ। चलो। जल्दी करो। चल पहचानता है जगह को, इस मिट्टी को पहचानता है सुअर के बच्चे। ये वही जगह है जहां तूने मेरे भाई को मारा था। ये वही मिट्टी है जिस पर तूने उस निर्दोष का खून बहाया था। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मंगल। नहीं, नहीं। तुझे माफ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुझे माफ करने वाला जहां है वही तुझे भेज रहा हूं। नहीं, 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 नहीं। क्या मांग ले उसे माफी, सुअर के बच्चे। कुछ कीजिए राजा साहब, जो लोग पुलिस के कब्जे से छीन करके दुर्जन को ठिकाने लगा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। एक रास्ता है। क्या? हमारी मौत। हमारी मौत? इस हवेली में आग लगेगी, हवेली जलकर राख हो जाएगी और उस राख में से 2 लाशें मिलेंगी। लेकिन वो दो लाशें हमारी नहीं होंगी। तो फिर किसकी होगी दयालु? हमारे दो वफादार नौकरों की, राम सिंह और वीर सिंह। मान गए राजा साहब, लेकिन हमें एक छोटी सी कुर्बानी देनी होगी। आज्ञा। आपकी ये अंगूठी और मेरा ये 9 लाख हार इनको इनाम में देना होगा, ताकि लाश की शनाख्त के वक्त ये दोनों निशानियां हमारी मौत का ठोस सबूत बन जाएं। राम सिंह, वीर सिंह, यहां आओ। जी सरकार। भाई राम सिंह, वीर सिंह, आज हम शिकार करने जा रहे हैं। तुम दोनों ने हमारी बड़ी सेवा की है, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। शाबाश। हमारी तरफ से ये इनाम और दयालु मेरी तरफ से ये अंगूठी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। पहन लो। सेवा के इनाम के साथ साथ अपनी वफादारी का इनाम भी लेते जाओ। मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मुझसे मेरी जिंदगी का मकसद छीन लिया? मेरे दुश्मन तो जलकर राख हो गए और मैं जीवन भर बदले की आग में सुलगती रहूं? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी जिंदगी का फैसला तू नहीं करेगी माँ, मैं खुद करूंगी और तेरे सामने करूंगी। ये क्या पागलपन है? मुझे मत रोको मंगल, मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ? क्यों? राजा और लाला की मौत के बाद मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। जिस तरफ देखती हूँ मीलों लंबी तन्हाई मुंह चढ़ाती है, दूर दूर तक अपना कोई नजर नहीं आता। अगर गौर से देखो तो बहुत करीब तुम्हें कोई अपना नजर आ जाएगा। हाँ हसीना, जिंदगी के सफर में मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूं। अगर दो अकेले मिल जाएंगे तो सफर आसान हो जाएगा। हरिया, तू बड़ी मस्ती में हो रानी। अपनी जवानी की थोड़ी सी शराब हमें भी पिला दो, कौन सी तुम्हारी बोतल खाली हो जाएगी। चुपचाप ढक्कन खोल दे, वरना तेरा सारा शराब खाना खाली कर दूंगा। कल जिन हाथों को नाड़ा बांधना नहीं आता था, वो आज मुझ पर बंदूक चलाता है। कल जिसके एक इशारे पर हम मौत से टकरा जाते, उसी ने हम पर गोलियां चलाई, और वो भी एक 2 टके की लौंडिया के खा दो बच्चे। ये मंगल की इज्जत है। अरे तो तुम्हारी भी कौन सी इसके साथ शादी होगी है सरदार? खुली हुई गाय किस किस के टोकरी में मुंह मारती फिरती है, ये मालिक को भी क्या मालूम। ज्यादा शेर का शिकार करने वाले कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। इनकी जिंदगी बख्श दो, ये तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। बख्श दो सरदार। सूअर के बच्चों, तुम दोनों ने इस गिरोह का नमक खाया है पर नमक खाना ले जाता ही नहीं। इससे पहले कि मैं तुम दोनों की बलि चढ़ा दूं, भाग जाओ इनसे, भाग। हसीना, जिस पतंग की डोर किसी के हाथ में ना हो उसे हर कोई लूटना चाहता है। चाचा। हुकुम सरदार। हम कली हसीना से शादी करेंगे। मंगलो यस्तनो हरि प्रस्याम हृदयस्तु जनार्दन ओम मंगलम स्वाहा। अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी, शादी हम कर रहे हैं और पसीना आपको आ रहा है। क्या पहले कभी कोई शादी नहीं करवाई? शादियां तो बहुत करवाई हैं जजमान, पर बंदूक वाले की शादी पहली बार करवा रहा हूं। पंडित जी, हम डाकू जरूर है मगर हिंदू है। गोहत्या और ब्रह्महत्या को हम भी पाप समझते हैं। आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। पहाड़े पुलिस। हाँ? ये पुलिस कहां से आ गई? गिरोह से कोई गैर हाजिर तो नहीं है? गैर हाजिर तो कोई भी नहीं है। चाचा, हरिया, मेरा जरा ख्याल रखना एसपी साहब। तभी तो मैं सोचूं साली ये पुलिस को खबर कैसे हुई। सरदार को खबर दूं? नहीं, सरदार को खबर बाद में करेंगे, पहले इस पुलिस से तो निपट लें। तू उधर संभाल ले। जात वेद से अग्नियम निधन ममा प्रजापते स्वाहा अग्निये ममा अग्निये स्वाहा सोमाय ममा प्रजापते स्वाहा प्रजापते इधन ममा। हसीना, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। एसपी रंजीत, तुम्हें अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में देखने का बड़ा अरमान था ना, इसीलिए बंदूकों को उठा लाए हो। मंगल सिंह इस वक्त रूपा का भाई नहीं, एसपी रंजीत सक्सेना डाकू हसीना को गिरफ्तार करने आया है। रंजीत सक्सेना, दूध पीते बच्चे की तरह चांद को हासिल करने जैसी हसीना को गिरफ्तार करने की अपनी इज्जत छोड़ दो। तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अगर अपनी और अपने आदमियों की सलामती चाहती हो तो मंदिर से बाहर आ जाओ। मैं भगवान के मंदिर को खून से नहीं रंगना चाहता। अपने साथियों को मरवाने का इतना ही शौक है तो बोल दो उन्हें कि वो सबके साथ सामने वाली खाई में छलांगे लगा दें, वरना अब हम नहीं हमारी बंदूकें बोलेंगी। भागाय स्वाहा भागाय नमः स्वाहा कामाय नमः स्वाहा अग्नि स्वाहा कुमाय नमः। कितने पहले बाकी है? आखिरी, जल्दी कराओ। पंडित जी, हो गया ना? हसीना, तू उस तरह संभाल, जल्दी। हमारे अपने आदमियों से कह दीजिए कि फायरिंग बंद कर दे। इसके बाद अगर हमारा एक भी आदमी मरा तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीज फायर। उठ जाओ, चेहरे से सेहरा हटाओ। कौन हो तुम लोग? ये सब मेरे बच्चे हैं साहब, इन्हें ये सब करने के लिए डाकू ने मजबूर कर दिया। गोली इनको नहीं लगना चाहिए। सुअर का बच्चा मंगल से गद्दारी करने चला था। करीम, अड्डे पे पहुंचा। चल हसीना, इस इलाके के सब लोग अपना दुख सुख लेकर मंदिर के बजाय आपके दरवाजे पर आते हैं। भटके हुए लोगों को सही राह पे चलने की शिक्षा आप नहीं देंगे तो और कौन देगा? मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात कभी नहीं डालेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा मंगल बेटा। मास्टर जी, अरे अरे अरे, आयुष्मान बाबा, आयुष्मान बाबा। मंगल, मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका, इसलिए नाराज हो मुझसे? बहू से नहीं मिलोगे? हसीना, हसीना, ये मास्टर जी है, इनसे मैंने अक्षर नहीं अर्थ सीखा है। अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारे सिंदूर पर कभी आंच ना आए। दूध हो नहाओ, पू तो फलो। हसीना, मास्टर जी ने तुम्हें झोली भरकर आशीर्वाद दिए हैं, संभाल कर रखना। तुम भी मेरी झोली भर दो मंगल। आज मैं गुरु दक्षिणा मांगने आया। आज्ञा दीजिए मास्टर जी। एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दिया था, मैं आपके चरणों में अपने सर की भेंट दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारा सर नहीं, सर की सलामती चाहिए। मैं समझा नहीं मास्टर जी। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, ताकि बहू को दिए हुए मेरे आशीर्वाद को पुलिस की कोई गोली छलनी न कर सके। ये आप क्या कह रहे हो मास्टर जी? सूरज से कहे वो रात का ढेर बनकर जमीन पर बिखर जाए, मगर ये ना कहिए वो वक्त से पहले रात की गोद में मुंह छुपा ले। रात की गोद में छुपा हुआ सूरज दूसरी सुबह फिर अपनी आन बान के साथ निकल आता है। अपना नहीं तो अपनी बहू के बारे में सोचो, इस बच्ची के भविष्य के बारे में सोचो। क्या दोगे इसे? स्कूल की ड्रेस की बजाय डाकुओं की वर्दी, किताबों के बदले में हाथ में बंदूक, बस्ते की जगह गले में गोलियों की पेटी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को ये भविष्य नहीं दूंगी। माँ बाप अपनी संतान को वही दे सकते हैं जो उनके पास होता है, और डाकुओं की संतान को विरासत में या तो पुलिस की गोलियां या फांसी का फंदा। नहीं नहीं मास्टर जी, हम अपनी पहचान मिटा देंगे, इस डाकुओं की परंपरा को खत्म कर देंगे, लेकिन गुड्डी पर आंच आने नहीं देंगे। मास्टर जी, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। सक्सेना बचने नहीं चाहिए राजा साहब। चलिए डीआईजी साहब चलिए, हार पहनाइए इन महान हस्तियों को और नारे लगवाइए भारत माता के इन सपूतों के। आओ हसीना, आओ मंगल। हम लोगों के साथ धोखा किया गया है, घेर लो उन सबको। धोखा तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ हुआ है। रुक जाओ हसीना। चाचा, हाँ हसीना को बुला। हसीना, हसीना। मंगल, रो मत हसीना। बीहड़ की शेरनी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अगर तुम मुझे छोड़ गए मंगल, मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? गुटी के सहारे। अब गुटी तुम्हारा सहारा है और तुम गुटी का सहारा हो। इस बेजुबान का ख्याल रखना। मुझे मौत का गम नहीं है हसीना, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया, बस इस बात का अफसोस है। धोखे से वार करने वाले पुलिस वालों से बदला नहीं ले मंगल, 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 मंगल। सिंदूर का रंग खून से कहीं ज्यादा गहरा होता है। मुझे कसम है उस सिंदूर की जो तुमने मेरी मांग में भरा है। मैं सिंदूर की कीमत वसूल करने के लिए खून की नदियां बहा दूंगी। Shame! Shame on you! आप लोगों को ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। उतार दीजिए वर्दियां, फेंक दीजिए स्टार्स। आज ये चीजें फख्र की नहीं, शर्म की बायस बन गई हैं। जो पुलिस इस तरह हार कर चोर और डाकुओं का हौसला बढ़ाए, वो कानून के मुआफिज नहीं हो सकते। अगर इसी तरह हर कदम पर पुलिस धोखे का शिकार बनती गई तो चौराहों पर पुलिस वालों के बुद्धि रह जाएंगे, उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा कभी होगा नहीं सर, और अगर हुआ भी तो पुलिस के बुद्धि इस देश की हिफाजत करेंगे। ये माना सर कि अपने अपने दौर में हर डाकू ने तहलका मचाया, लेकिन अंजाम में पुलिस की गोली का ही शिकार हुआ। भले ही वो मानसिंह हो, सुल्ताना डाकू हो, अमृतलाल हो या पुतलीबाई हो, मरे तो सब पुलिस की गोली से ही। तो क्या मैं ये समझूं कि डाकू हसीना इसलिए बची हुई है कि वह आपकी यानी एसपी सक्सेना की बहन है? सर, यस, आई मीन इट। सर, बहन भाई का ये रिश्ता मेरे सर पर इल्जाम बन गया है। अब मैं इस इल्जाम को ठोकर ही रहूंगा। हसीना, एसपी रंजीत सक्सेना तुमसे मिलना चाहता है, अकेले और खाली हाथ। भेंट कहाँ होगी? फूटी कोठी कल सुबह। ठीक है, लेकिन इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं, इसमें कोई चाल भी हो सकती है। पाले, रंजीत सक्सेना सिर्फ एसपी ही नहीं, मेरा भाई भी है। मैं जाऊंगी। लेकिन हसीना, सरकार ने आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनाई जो हसीना का सीना चीर सके। हसीना जाएगी। आइए श्रीमती मंगल सिंह उर्फ रूपा सक्सेना उर्फ चंबल की रानी उर्फ पुलिस की दुश्मन उर्फ डाकू हसीना। मेरा एक और नाम भी है, शायद आप भूल रहे हैं। याद है आप प्यार से मुझे बिल्ली कहते थे भैया? आंधी की शक्ल में बस्तियां उजाड़ देने वाली खतरनाक डाकू हसीना मेरी बहन रूपा नहीं हो सकती। आज तक मैंने किसी मासूम का खून नहीं किया, और जिनका खून करूंगी वो भी मासूम नहीं होंगे। जिनको मैंने मारा है या मारूंगी, समाज के उन गंदे कीड़ों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। तुम कौन होती हो किसी को सजाए मौत देने वाली? किस अधिकार से तुम किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करती हो? अधिकार? रावण को मारने का राम को किसने अधिकार दिया था? किस अदालत ने नरसिंह को प्रहलाद के बाप को मारने का अधिकार दिया था? बुराई के खिलाफ अच्छाई का ये धर्मयुद्ध आखिरी दम तक चलता रहेगा भैया। ये तुम नहीं, तुम्हारा पागलपन बोल रहा है रूपा, वरना इन अवतारों के सिंहासन पर तुम अपने आप को नहीं बिठाती। खैर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि यह खूनी खेल बंद कर दो, वरना पुलिस की गोली तुम्हारे सीने को चीरती हुई बाहर निकल जाएगी और खून से लथपथ तुम्हारी लाश किसी चौराहे पर पड़ी होगी। किस पुलिस की बात कर रहे हो भैया? उस पुलिस की जो किसी की दी हुई वर्दी पहनकर दूसरों के इशारों पर गोली चलाती है? एसपी साहब, हमारी ये वर्दी हमारी अपनी है, तुम्हारी तरह किसी की दी हुई नहीं। रूपा! चीखो मत। उधार की वर्दी पहनने वाले ऐसे न जाने कितने पुलिस वालों को मैंने कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया और उनकी लाशों को चील कबों की खुराक बनाकर जंगल में छोड़ दिया। चंद पुलिस वालों को मारकर तुम क्या समझती हो? तुमने पूरी पुलिस की ताकत को खत्म कर दी, मात दे दी। ये तुम्हारी भूल है, बेवकूफी है। खाकी वर्दी में लिपटा एक आदमी पुलिस नहीं, पुलिस तो एक फोर्स है जिसका काम है अपराध की दुनिया के सांपों का सर कुचलना, समाज की उनसे हिफाजत करना। मेरी दुश्मनी पुलिस फोर्स से नहीं और ना ही पुलिस की जात से है। मेरी दुश्मनी उन मक्कार ऑफिसरों से है जिन्होंने मेरे सुहाग के सूरज को निगल लिया और मेरी तमाम जिंदगी को कभी न खत्म होने वाली अमावस की रात बनाकर छोड़ दिया। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी भैया, चाहे वो तुम्हारा आईजीपी शमशेर सिंह ही क्यों ना हो। रूपा, रूपा नहीं, हसीना कहो, डाकू हसीना। और हसीना जो कहती है करके दिखाती है। तो रूपा, तुम भी एक बात सुन लो, आज के बाद एसपी सक्सेना की बंदूक में जो भी गोली होगी उस पर एक ही नाम लिखा होगा, डाकू हसीना। जय हिंद। जय भवानी। कमला, तू तो जिंदा हूँ। लेकिन पुलिस वालों ने तो तेरी लाश भी जंगल से बरामद कर ली थी। गांव वालों ने उसकी शनाख्त भी की थी। कौन गांव वाले? लाला, राजा, राणा और ठेकेदार। राणा और ठेकेदार को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, लेकिन वो दो कमीने लाला और राजा अपनी ही मौत मर गए। नहीं हसीना, वो जिंदा है। उन दोनों ने तेरा स्वाद छीना था। क्या कहा? गुड्डी हसीना, सब तैयार हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चाचा, मैं भी तैयार हूँ। चाचा, मैं गुड्डी को तुम्हारे हवाले किए जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो हसीना, जब तक रहमतुल्लाह के जिस्म में खून और जबान पर अल्लाह का नाम है, गुड्डी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हसीना, तुझे खून खराबे करने का इतना शौक है तो इसका फैसला अभी हो जाएगा। पीछे मुड़कर देख। चाचा, और मेरी गुड्डी? हाँ, तेरी गुड्डी भी हमारे कब्जे में है। पहले अपने चाचा का क्रियाक्रम तो पूरा कर लेने दे। जगह हसीना, आप जरा उधर भी देख। हसीना, यह बच्ची अब तक जिंदा है। अपने आप को फौरन हमारे हवाले कर दो, वरना हम इसका क्रियाक्रम भी कर देंगे। नहीं, रुक जाओ राजा, मैं आ रही हूं। अपनी बंदूक फेंक दे। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम गुड्डी का ख्याल रखना। भागता कहाँ है कुत्ते? पहाड़ियों में छुपे होंगे कुत्ते। गोली चलाओ। तो मौत का नाटक था एसपी साहब, हसीना से बचने के लिए। घबराइए मत, जीप में बैठिए, आइए। क्या बात है सर? ये दो जवान बहुत सीरियस है। अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें आपकी जीप में डालकर पास वाले कैंप में ले जाए। ठीक है, इनको राजा साहब को पुलिस वैन में ले जाओ। एसपी साहब ने हमें मौत के मुंह से बचा लिया। पलट के देख कुत्ते, मौत तो तेरे साथ साथ चल रही है। गुलाब सिंह कल्ला, बांध दो इन दोनों कुत्तों को गाड़ी के साथ। नहीं। हाँ, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पर ये सोने की गोलियां जाया की जाए। तुम्हें वो मौत दूंगी जिससे देखकर यमराज भी कांप उठेगा। गुलाब सिंह सरदार, धकेल लो इस गाड़ी को खाई के अंदर, ताकि इनके गंदे शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जिन्हें भूखे गिद्ध भी खाने से इनकार कर दें। नहीं, नहीं, हसीना! रुक जाओ हसीना, वरना गोली मार दूंगा। वही हुआ जो मैं नहीं करना चाहता था। मेरे पास वक्त नहीं है भैया, मेरी एक ही ख्वाहिश है तुमसे। इस बेजुबान बच्ची को संभाल लेना। मैं तुम्हारे हवाले रूपा छोटी माँ तुम बोलती क्यों नहीं?